नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। पहले बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हुई, किसानों ने रो धोकर जैसे तैसे नुकसान सहकर भी अपना हिम्मत बरकरार रखा। बारी अगले सीजन की आई, किसान फिर पूरी ताकत से फसल उपजाने में जुट गए और अभी बुआई का वक्त है, लेकिन फसल सही उपजे इसके लिए किसानों को जरूरी खाद नहीं मिल पा रहा। किसान दर दर चक्कर काटने को मजबूर हैं। एमपी के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ दिन दिन भर भूखे प्यासे किसान बैठे हैं। साढ़े 10 बजे के लगे वहां से पुलिस वाले ने धक्का देके जहाँ हटा दे। ब्लैक में बेच रहे हैं सूदे शर्ट, किसान को नहीं देते खाद। वो किसान बोलते हैं तो दबा देते किसान को। कहीं लूट, कहीं मारा मारी, देखिए अन्नदाता की लाचारी। दर दर भटक रहे किसान, खाद के लिए सब परेशान। डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, बिना खाद किसान बेदम। यूरिया के लिए हाहाकार, ऐसे कब तक चलेगा सरकार। शहर शहर खाद की किल्लत, किसान कर रहे बार बार मिन्नत। कहीं महिलाएं गुस्से में हैं, कहीं लोग बोरियां लेकर भाग रहे हैं, कहीं इंसानों की लाइन लगी है, कहीं पेपर बिछाकर लाइन लगाई गई है, कहीं सैकड़ों लोगों की भीड़ है तो कहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तैनाती करनी पड़ी है। और यह सब हो रहा है खाद के लिए, उस खाद के लिए जिसके बिना आज के वक्त में खेती करना नामुमकिन है। उस खाद के लिए जिससे किसान खेत की उपज बढ़ाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, क्योंकि खाद किसी भी खेत की ताकत होती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि किसानों को उनकी खेत की ताकत ही नहीं मिल पा रही है। अन्नदाताओं की परेशानी की तमाम तस्वीरें एमपी की है। शिवपुरी में खाद के लिए जहां महिलाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा, वहीं राजगढ़ में कई किसान खाद की बोरियां लूटकर भागने लगे। रायसेन में खाद के लिए लंबी भीड़ लग गई तो विदिशा में धूप से बचने के लिए लोग पेपर की ही लाइन लगा बैठे। सीहोर में भी लंबी लाइन लगी तो गुना में खाद के लिए लाइन में लगे एक किसान की मौत हो गई। यूरिया के लिए कहीं पुरुष तो कहीं महिलाएं लाइन में लगी हैं। लेकिन देखिए, यूरिया न मिलने से यहां तो महिलाओं का पारा हाई हो गया। फिर क्या था, खाद बांटने वाले कर्मचारी पर ही महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। तस्वीरें शिवपुरी के करैरा इलाके की हैं, जहां खाद वितरण केंद्र पर लंबे इंतजार के बावजूद जब खाद नहीं मिली तो महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया, जिसका सामना खाद बांटने वाले कर्मचारी को करना पड़ा। कर्मचारी की कॉलर पकड़ ली, हालात को काबू करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। समस्या ये है कि एक पर्ची पे 5 हाथ कट्टे दे रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास ज्यादा जमीन है और व्यक्ति घर में एक है तो 5 कट्टे से कैसे बार बार व्यक्ति को क्या है, जितनी भी उसकी ज़मीन है या उसकी जो किताब है उसके हिसाब से कट्टे दिए जाएं, जिससे कि वो बार बार परेशान ना हो। अब वो एक टोकन पर 5 कट्टे दे रहे हैं और DAP खत्म हो चुका है, अब यूरिया मिलेगा सुबह एक टोकन पर 5 कट्टे। राजगढ़ में तो खाद की लूट मच गई। यहाँ खिलचीपुर जीरापुर के बीच खाद से भरा एक ट्रक पलट गया। इसकी भनक जैसे ही किसानों को लगी, मौके पर पहुंचकर खाद की बोरियां उठाकर भागने लगे।
देखे किस तरह लोग खाद की बोरियां लेकर खेतों से होकर दौड़ते हुए भाग रहे हैं। रायसेन में भी खाद के लिए किसानों की भारी भीड़ लग गई। एक तो खाद की किल्लत, ऊपर से सर्वर डाउन, किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल अब किसानों को खाद पीओएस मशीन के जरिए वेरीफाई करने के बाद दी जा रही है, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से किसान काफी परेशान हो रहे हैं। बोरी के लिए किसान झुक रहा है और जे एक फोन पर किसी का भी फोन आ गया वो 50-50 बोरी की स्लिप बना रहा है। और यहाँ दिन दिन भर भूखे प्यासे किसान बैठे हैं, इनको 5-5 बोरी नहीं दे रहा है। बोल रहा है कि मालूम नहीं अब कब बटेगा एरिया, और एरिया रखा भी है उसमें, रखा लेकिन दे नहीं रहा, दे ही नहीं रहा है। क्यों? क्या मालूम है, अब ये तो बोल रहा है, साहब बोलेंगे जब बांटेंगे। कितनी बार आ चुके हैं? 3-4 बार आ चुके हैं। सोसाइटी तो बट जाएगा, सोसाइटी से बट जाए तो सोसाइटी की खाते वाले ने देगी, अपने तो ही ना देगी। 4-5 दिन से घूम रहे हैं, डीएपी अकेले मिल रहा है, यूरिया मिल नहीं पा रहा है। दो तीन दिन बाद आओ डेली आ रहे हैं, 70 रुपए का पेट्रोल जा रहा है, डेली आ रहा है, मिल ही नहीं रहा यूरिया। आप बताते कि अभी आया नहीं है? अभी आया नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। दिक्कत कुछ नहीं है अपने यहाँ, दिक्कत जो है कि कभी लाइट नहीं रहती है, सर्वर डाउन हो जाते हैं, यूरिया पूर्ण स्टॉक में है अपने, अभी समिति को भी प्रदाय कर किया जा रहा है और किसानों को भी 10-10 बोरी अभी आवंटित किया जा रहा है। किसानों की अधिक मात्रा में होने के कारण हम 10-10 दे रहे हैं। भीड़ तो अधिक किसान है, एकदम आ गए हैं, इसलिए 2 काउंटर चालू कर दिए हैं, और बीच बीच में सर्वर डाउन अगर हो जाता है उस वजह से भीड़ दिक्कत हो रही है। सीहोर में भी किसानों को यूरिया और डीएपी खाद की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा है। सोसाइटियों में किसानों को सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बावजूद महज 1-2 बोरी ही खाद मिल पा रही है, जो कि नाकाफी है। विपणन सहकारी समिति के मुताबिक 3200 टन खाद की डिमांड भेजी गई थी, जबकि अभी तक महज 1700 टन खाद ही मिल पाया है। ऐसे में 50% किसान अभी भी खाद मिलने के इंतजार में आए दिन सोसाइटियों के चक्कर काट रहे हैं। कब से लगे हो लाइन में? 2:30 से 3 बजे रात के लगे हैं, और अभी तक कोई लापता है। ये कर्मचारी इतने मान के है कि उनका फोन आता है, उनके घर में माल जाता है, किसान उनको खाद नहीं देते हैं टाइम से, और उनके घर पर जाके खादा जाता है, पहले फोन लगा देते हैं। जिसमें ब्लैक में भी बेच रहा है, ब्लैक में बेच रहे हैं सूदे शर्ट, किसान को नहीं देते खाद, किसान बोलते हैं तो दबा देते किसान को, बोरी फूट गई, कर्मचारी के घर में जाता खाद सूदा शर्ट। क्या मांगे हैं सरकार साहब की? सरकार से ये मांगे हैं, खाद किसान को डायरेक्ट आज चाहिए। विदिशा में किसानों ने लाइन में अपना नंबर लगाने का अनोखा तरीका निकाला है। तपती धूप का सामना न करना पड़े इसके लिए किसानों ने यूरिया लेने के लिए जो जरूरी कागजात लेकर आए थे उसी को लाइन में लगा दिया। तस्वीरें विदिशा के सिरोंज इलाके की हैं। किसानों की माने तो यहाँ उन्हें सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन खाद नहीं मिलती। कुछ किसानों को 3-4 बार इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। पहले कितनी बार आ चुके हैं? 3 बार और आ चुके हैं, चौथी बार है। कौन सा खाद चाहिए? यूरिया। और बैठने की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, बैठने की। 10:30 बजे के लगे वहाँ से पुलिस वाले ने धक्का दे के जहाँ आ जाए। क्या लगता है अभी कोई मिल पाएगा खाद? आज नहीं, मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा साहब, 2 दिन हो गए हमें खाद लिए तो। 2 दिन से परेशान? 2 दिन से परेशान है बराबर। यहाँ कोई बैठने की या पानी की व्यवस्था है? व्यवस्था नहीं है, हट जाते हैं लेन में से, दूसरे ठाल हो जाते, पीछे होकर जाते हैं। समय पर खाद नहीं मिला तो कोई परेशानी आएगी? परेशानी खेती कहाँ से होंगी। कौन सी खाद लेने आए हो? यूरिया। मिल रहा है? मिल रहा है। लाइन में लगे हो? लाइन में लगे हुए। कोई पानी की व्यवस्था है यहाँ? कुछ नहीं। बैठने की व्यवस्था है? समय पे खाद नहीं मिला तो कोई परेशानी आएगी? परेशानी आएगी। और खाद के लिए सबसे दर्दनाक तस्वीर गुना से आई है। यहाँ 21 अक्टूबर को कुंभराज इलाके में खाद के लिए लाइन में लगे एक किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राम प्रसाद नाम का एक किसान कई घंटों से लाइन में लगा था, लेकिन धूप ज्यादा होने की वजह से उसे चक्कर आ गया और बेहोश होकर गिर गया। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। खाद की लाइन में लगा था, धूप
इतनी गर्मी पड़ रही थी, पानी की व्यवस्था थी नहीं गवर्नमेंट की जी, तो बहुत लंबी लाइन थी, तीन तीन घंटे चार चार घंटे लाइन में लगे रहते, इसके बाद में खाद उपलब्ध नहीं हो रहा, गर्मी की वजह से उसको चक्कर आ गया। कितने घंटे तक लाइन में लगे रहे? चार घंटे लाइन में लगा रहा है। फिर वहाँ पे क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं गवर्नमेंट की, कुछ भी व्यवस्था नहीं, व्यवस्था नहीं है। आठ आठ दिन का लाइन में लगने के बावजूद भी खाद नहीं मिल रहा है। इनका क्या नाम था? राम प्रसाद। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में ऐसे ही हालात हैं। राजधानी भोपाल में खाद को लेकर किस तरह के हालात हैं, इसका जायजा लेने के लिए न्यूज 24 की टीम कोडिया गांव में खाद वितरण केंद्र पर पहुंची। पता चला यहां डीएपी तो मिल रहा है लेकिन यूरिया की सप्लाई कम हो रही है, जिससे किसान परेशान है। किसान खाद बेचता नहीं है, फसल में फेंकता है, जितना उसको लगता देना चाहिए। किसी ने खाता खोला नहीं खोला सोसाइटी में, आप तो भाई देखो खाद दो, फिर बोलते हैं कि आपका खाता नहीं है, खाता खुलवाओ। तो ये क्या मतलब, क्या वो किसान नहीं है? बस मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं। चलो मेरा वहाँ पे खाता नहीं है, मैं आपका कस्टमर भी नहीं हूँ, मेरे पास तो ये बई रखी, किसान हूँ मैं, ये बई देखो कितनी एकड़ की है, वो तखाद दे दो आप। ऐसा नहीं होता, कहाँ होता है, कहीं भी चल जाओ नहीं देते हैं, नगद देते नहीं। हाँ। दो बोरी में पूर्ति नहीं होती किसान की, कहीं कहीं से लाता बेचारा, कहीं कहीं से जुगाड़ से, कहीं मोल की लेता, कहीं ज़्यादा पैसे में, इस तरह से हिसाब किताब है। अभी दिक्कत तो हो रही है? अब दिक्कत तो ये लाइन लगी हुई है, आई है कल के वो जमा करिए, अभी तक नंबर ही नहीं आया। नहीं नहीं समय भी ज़्यादा लग रही है, दिन भर के दो दो दिन हो जा खड़े आदमी है भाई, वो भी देखना पड़ा। आज 50 आदमी खड़े दिन भर के बेचारे, ट्रैक्टर छोड़ के या कोई चीज़ छोड़ के, दिक्कत है क्या? नहीं, और वो लोग टाइम पे आते बिल्कुल 11 बजे आई जाएंगे। हालांकि खाद वितरण केंद्र के मैनेजर मोहन प्रसाद सेन की माने तो जो रजिस्टर्ड किसान हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ डिफॉल्टर किसानों को थोड़ी समस्या हो रही है। जो ड्यू किसान हैं उनकी पहले पूर्ति करेंगे, अगर आज ड्यू किसान को अगर नहीं मिलेगा तो हमारे ऊपर चढ़ेंगे, यह है, इसलिए अभी हम नगद यूरिया नहीं दे रहे हैं। उनका तरीका यह है कि फंदा गोडाउन से मिल रहा है नगद में। अगर हमारे पास अगर किसानों की अगर व्यवस्था जो हमारे ड्यू कृषक है उनकी अगर हो जाएगी तो उसके बाद में उनको भी धीरे धीरे देते रहेंगे। मध्य प्रदेश में खाद संकट के बीच घंटों इंतजार, लंबी लाइन और कई दिनों की मशक्कत के बाद जैसे तैसे सहकारिता समिति या फिर सहकारी बैंक में रजिस्टर्ड किसानों को तो खाद मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हालात खराब हैं उन किसानों के जो कर्ज ना चुकाने के चलते डिफॉल्टर हो गए। सरकार ने नई व्यवस्था के तहत नगद में खाद खरीदी का इंतजाम तो किया है, बावजूद इसके सहकारिता सोसाइटी से डिफॉल्टर किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। ऐसे किसानों की संख्या मध्य प्रदेश में 18 लाख से भी ज्यादा है। कर्ज के बोझ तले लगातार दबते ऐसे डिफॉल्टर किसानों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। किसानों को पर्याप्त यूरिया न मिलने से किसान नेता शिव कुमार शर्मा का काजी ने भी सरकार से इस समस्या को दूर करने की मांग की है। यूरिया डीएपी की जो किल्लतें हैं वो शिकायतें काफी हैं, जिसकी बात मैं कलेक्टर से कर रहा हूं, और वो शीघ्र ही आश्वासन दिया है कि भाई आपको यूरिया और खाद बहुत जल्दी मिल जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में इस वक्त 6 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग है, लेकिन 3.64 लाख मीट्रिक टन यूरिया ही अब तक पहुंच पाया है। यही हाल डीएपी का भी है, जो 4 लाख मीट्रिक टन की एवज में महज 2.65 लाख मीट्रिक टन ही मिला है। प्रदेश के किसानों को हो रही परेशानी की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान तक भी पहुंची। आनंद फानन में सीएम हाउस पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया समेत सहकारिता विभाग के अफसरों और मार्केट के प्रबंध संचालक की मीटिंग बुलाई गई। बैठक में सीएम ने कहा कि खाद को लेकर पहले भी निर्देश दिए गए हैं, फिर भी कई जगहों से शिकायत मिल रही है, जिसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाधान निकाला जाए। तो महा अक्टूबर 2022 से यूरिया का आवंटन 6 लाख मैट्रिक टन है, तो 6 लाख मैट्रिक टन में जिसके विरुद्ध हम 3.64 लाख मैट्रिक टन यूरिया ट्रांजिट सहित प्राप्त हो गया। फिर डीएपी का अक्टूबर 2022 तक हेतु आवंटन 4 लाख मैट्रिक टन का है, जिसके विरुद्ध करीब 2.65 लाख मैट्रिक टन हमको प्राप्त हो गया है। जो बाकी बचा हुआ वो भी हमारा नवंबर माह में पूरा ले जाएंगे, इसलिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था है।
सरकार के दावों पर कांग्रेस नेता और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा ने करारा हमला बोला है। कहीं सतना का, कहीं सीहोर का, कहीं अलग अलग जगहों का कि लाइन लगाए हुए हैं खाद और बीज के लिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। किसान विरोधी है सरकार। जो ऋण माफ़ी कांग्रेस की सरकार ने शुरू की थी, कमलनाथ सरकार ने, वो ऋण माफ़ी को रोक दिया 11,000 करोड़ के बाद, और आज किसान की फसलें जो आती वर्षा की वजह से नष्ट हो गई, और अब उसको बीज और खाद नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार का फेलियर है। एक तरफ जहां प्रदेश भर से खाद संकट की तस्वीरें आ रही हैं, किसान शिकायत कर रहे हैं, खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल खाद की कमी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके मुताबिक प्रदेश में खाद को लेकर कहीं कोई समस्या नहीं है, कई जगहों पर भीड़ कांग्रेस प्रायोजित है। ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। ये लोग क्या करते हैं, एक दिन जाके कहीं अपने घर वालों को, जो बाजार में लोग इकट्ठे करके चलो वहाँ चलते हैं, और इकट्ठा करके लाइन लगा के बता दिया कहीं कोई कमी नहीं, पर्याप्त मात्रा में खाद है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये निर्देश भी दे दिया कि जो डिफाल्टर किसान है उनको भी हम खाद देंगे नगर में, और हमारे 2,50,000 से जा रहा है, क्योंकि घर तक जो किसान है उनके तक खाद पहुँच जाए, और उसके लिए POS मशीन के माध्यम से जा रहा है। तो जो लोग दलाली करते थे कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के नेता, उनको तकलीफ हो रही कि एक नीचे गरीबों को क्यों मिल रहा है। बहरहाल MP के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताने के लिए काफी है कि अन्नदाताओं पर किस कदर संकट है, क्योंकि खून पसीने की मेहनत से पहले किसान खेतों को सींच कर फसल उपजाते हैं, और मौसम की मार से सब बर्बाद हो जाता है। ये सब सहन करने के बाद जब बारी सरकार की जिम्मेदारी की आती है तो सब गौड़ हो जाते हैं। किसानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है, कभी खाद के लिए तो कभी फसल का उचित दाम पाने के लिए अन्नदाताओं को दर दर भटकना पड़ता है। शिवपुरी से कपिल, विदिशा से संदीप और रायसेन से अनिल सक्सेना के साथ भोपाल से विपिन श्रीवास्तव, न्यूज 24।